हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों मेरे पास हैं तीन सवाल भाई। पहला सवाल ये कि ऑर्बिट बॉल जो है वो किस चीज से बनती हैं। दूसरा सवाल ये कि अगर इसको मैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दूं यानी चूल्हे पे रख दूं तो फिर क्या होगा। तीसरा सवाल ये अगर मैं इसको बर्फ में जमा दूं यानी फ्रिज में रख दूं तो फिर क्या होगा। तो दोस्तों यही सब सवालों के जवाब हासिल करने के लिए इस वीडियो को मैं आज बना रहा हूं और आप भी देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या होता है। तो ऑर्बिट बॉल को अगर बहुत ज्यादा ठंडा कर दें, दर्जा दे दें तो उनके साथ क्या होगा। अगर आप चैनल पे नए तो प्लीज यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। चलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करके देख लेते हैं और ये भी जानते हैं कि ये किस तरह से बनती है। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों ऑर्बिट बॉल को पानी के अंदर 12 घंटे रखने के बाद अपने से 500 गुना बड़ा हजम का बना लिया गया। ये बनती है हाइड्रोजेल पॉलीमर से जिससे पेम्पर वगैरह बनते हैं। दोस्तों अगर पानी को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाए यानी जलते तवे के ऊपर डाला जाए तो वो 0.2 मिलीमीटर की बुलंदी पे आकर उछलता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। तो दोस्तों यही वाला काम होगा ऑर्बिट बॉल के साथ। इसे कहते हैं लाइट एंड फ्रॉस्ट इफेक्ट। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा। दोस्तों साए के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से रिफ्रेक्शन हो रहा है यानी कि इनेताफ हो रहा है। धूप इसके अंदर से गुजर रही है और साए के अंदर एक रोशनी का हाला सा बना रही है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसको बहुत ज्यादा ठंडा करके देखने की। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों पानी जमने के बाद फैल जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जमने के बाद फैल गया यानी कि ऑर्बिट बॉल से निकलने के बाद वो बाहरी गोलियों की सूरत में जम गया और ऑर्बिट बॉल जो है दोबारा से छोटी हो गई हैं, और जो छोटी ना हो सकी वो दोस्तों यहाँ पे टूट चुकी हैं, ये आपके सामने है। दोस्तों ऑर्बिट बॉल को तोड़ने के बाद ऐसा महसूस होता है जैसे ये चटका हुआ शीशा, और दोस्तों इसको मिलाने के बाद भी एक साथ ये चिपकती नहीं है यानी एक जान नहीं हो पाती, पानी की तरह बहती रहती हैं।